दोस्तों 2023 में मैंने अपने चैनल पर प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मेरे चैनल के थ्रू लेकर आऊँ जो आपने कभी भी किसी चैनल पे ना देखे होंगे ना सुने होंगे। और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा जो चैनल है मैन्युफैक्चरर्स गाइड दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला बिजनेस आइडियाज़ के जो वीडियोज़ होते हैं, बिजनेस आइडिया के जो चैनल्स होते हैं, उनमें सबसे टॉप पर आ गया है। जहाँ पर हम लोग हर वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे हर वीडियो को प्यार दे रहे हैं। फेसबुक पे भी हमारे 8 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं और वहाँ पे भी बहुत सारा लोग हमें प्यार देते हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारे 2.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग हमें वहाँ पे हर वीडियो को प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करते रहूँगा कि आपके लिए ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आऊँ। तो आज भी नए बिजनेस आइडिया की खोज में मैं आ गया हूँ राजकोट में, गुजरात के राजकोट शहर में, जहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट जो कि आज आप सच में हमेशा की तरह पहली बार देखने वाले हो। और ये बिजनेस ना आपको कभी फेसबुक पर देखने मिलेगा, ना इंस्टाग्राम पर देखने मिलेगा, ना ही किसी यूट्यूब के वीडियो में, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 8,700 रुपये में ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इस बिजनेस से आप कमा सकते हो दिन का 5,000 रुपये। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा वीडियो में, आखिर तक बने रहिए। ये जो बिजनेस है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इजी बिजनेस है, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो हाई डिमांडेबल भी है। तो आइए जानते हैं सर से कि कैसे आप सिर्फ 8,700 रुपये में घर बैठे कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो हेलो सर। हेलो, मैं अक्षर इम्पैक्ट से मेहुल कक्कड़ हूँ। हम 2014 से बिजनेस पर्पस के लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग ये रॉ मटेरियल घर पे मंगवाते हैं, फिर वो लोग हाथ से ही वो रॉ मटेरियल को असेंबल करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देते हैं। हम जो ये रॉ मटेरियल देते हैं वो रॉ मटेरियल बहुत ही ईजी है असेंबल करने के लिए। सिर्फ 2 मिनट में वो घर बैठे एक बंदा असेंबल कर सकता है और उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में फिर बेच सकता है। उसमें कोई मशीन या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है और क्वालिटी का इसमें हमने बहुत ही ध्यान रखा हुआ है, जिसमें आप कोई भी मार्केट में जाके बेचोगे तो आपको ये प्रेफरेंस पहले मिलेगा कि क्वालिटी की वजह से आपका प्रोडक्ट पहले ध्यान में आएगा, पहले बिकेगा। ये जो 8,700 में जो किट है उसमें आप पूरा 100 पीस बना सकते हो और वो 100 पीस आप बेच सकते हैं। उसमें आप इतना कॉम्पिटिटिव रेट हमने दिया है, ऐसा मत समझिए कि 100 पीस की ये किट लेके आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि कोई मशीन नहीं लगा हुआ है या कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसमें आपको वही मार्जिन मिलेगा जो एक मैन्युफैक्चरर 10,000 या 20,000 पीस में मार्जिन बनाकर ले रहा है, वो आप 100 पीस में ले पाओगे। स्टोरी ये, हमारी जर्नी ये है कि मैं और मेरा छोटा भाई है, वो दोनों इस बिज़नेस में साथ में थे और ये बिज़नेस को हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। 2018 तक हमने अच्छे से किया। दुखद बात यह है कि ये प्रोजेक्ट को मैं इस लेवल पे लाने के लिए जो जर्नी में मेरा भाई साथ था उसको मैंने सेकंड कोविड वेव में लॉस कर दिया, उनकी डेथ हो गई। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि लो इन्वेस्टमेंट में वो लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें और उनके साथ, मतलब हमारे साथ दूसरे लोग भी उतना ही ग्रो करें। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे ये जो 8,700 रुपये जो रॉ मटेरियल किट है इससे आपको कैसे घर बैठे प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। और सर जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सर की मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि मैं जो भी मैं नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आता हूं वो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको यहां पे इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे होंगे तो उसे आप ऑफ कर सकते हो, यहां पे CC करके ऑप्शन होता है, अगर आप उसे टैप करोगे तो यहां पे इंग्लिश में जो सबटाइटल्स चलते हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो हम सिर्फ आपको बता नहीं रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए जो मटेरियल लगता है, ये मैंने पूरा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखा है जिसमें यहां पे मेरे पास अपना खुद का मशीन, मोल्डिंग मशीन है। जो भी रॉ मटेरियल किट में हम पार्ट्स देते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम ये पार्ट्स खुद बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं, इसी वजह से हम ये कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको ये दे सकते हैं। तो चलिए, हम ये 8,700 का रॉ मटेरियल की जो किट है इससे आपको घर बैठे प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो हम दिखाते हैं। जब पार्सल आपके घर आएगा तो इसमें 100 पीस बनाने के लिए पूरा जो रॉ मटेरियल है वो इस तरह से आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं बताता हूँ। इसमें ये प्लेट 100 आ जाएगी, 100 ये हैंडल आ जाएंगे, 100 ये पाइप आ जाएंगे और ये 100 नट बोल्ट आ जाएंगे साथ में। ये प्लेट के अटैचमेंट्स हैं, ये भी 100 आ जाएंगे। ये जो हमारा स्टील का हैंडल है उसको टाइट करने के लिए ये पार्ट आता है और इसके साथ ये स्विच भी आते हैं, जो थोड़ी देर में हम आपको कैसे असेंबल करना है वो दिखाएंगे। और आपको बनाने के लिए बेसिक एक
प्लास्टिक का हथौड़ा चाहिए, अच्छा, और एक 4-पार्ट का स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ओके। अगर आपके पास घर पे है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के, वरना हम वो आपको यहाँ से भी अवेलेबल करवा देंगे। और अगर दोस्तों अगर वो हथौड़ा और स्क्रू ड्राइवर का सेट मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, तो जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो वहाँ से भी आप खरीद कर इसे बिजनेस शुरू करने में यूज़ में ले सकते हो। 3 पार्ट में ये प्रोडक्शन होता है और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये अपना पहला पार्ट है जो प्लेट बोलते हैं इसको, ये हम बना के देखते हैं। ये जो प्लेट है ये पार्ट इसमें ऐसे यहाँ जाएगा और यहाँ पे ऐसा लॉक भी होता है ये। ओके। और पीछे इसको ये ऐसे यहाँ से निकला हुआ है, उसमें ये फिट हो जाएगा ऐसे। वाओ। और ऐसे पकड़ लेना है, फिर ये जो है पार्ट इसको यहाँ पे ऐसे मतलब सुला के रखना है, सामने सामने इसका देख लेना है कि प्रॉपर आ गया कि नहीं। जैसे ये इतना पार्ट यहाँ पे फिट हो गया तो यहाँ पे ऐसे ये नट का होल दिया हुआ है, ये नट का होल है, वहाँ पे ऐसे नट डाल देना है। ये नट यहाँ पे डाल दिया है, फिर यहाँ से हाथ रख के इसको स्क्रू को अंदर डालना है इस तरफ, और इसको हल्के से टाइट कर देना है। देखिए ये टाइट हो गया, यहाँ से ये हमारा नट टाइट हो जाए, फिर ये जो अपना आखिरी पार्ट है कैप वाला, इसको यहाँ पे लगा देना है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन का ख़त्म हो गया, ये प्लेट पूरा बन गया है। अभी इसको साइड में रखते हैं और सेकंड पार्ट बनाते हैं। अभी सेकंड पार्ट बनाने के लिए हम अपने रो मटेरियल के पास अंदर से लेंगे। ये स्विच वाला जो पार्ट है ये मैंने लिया है, ये इतने ये छोटे छोटे सारे पीस आ जाएंगे ना सर? हाँ, ये छोटे छोटे सारे पीस आ जाएंगे, ये पूरा स्विच और होल्डर बन जाएगा पाइप के लिए। ये होल्डर में ये जो चौरस पीस है इसको यहाँ पे ऐसे फंसाना है, वो आराम से फंस जाएगा। उसके बाद ये स्विच को यहाँ पे लगाना है सेंटर में, दोनों होल के ऐसे पकड़ के यहाँ पे सेंटर लेना है। ओके। ये चीज़ जो है ये पिन कहते हैं हम इसको, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है और हथौड़ी से हल्का हल्का ठोक देना है, जैसे वॉच में करते हैं हम लोग। हाँ, जैसे वॉच में करते हैं वैसे। ऐसे दूसरी तरफ भी सेंटर लेके यहाँ पे लगाना है और हल्का हल्का ठोक देना है। तो ये अपना पार्ट 2 जो रहता है वो फिनिश हो गया, ये अपना स्विच बन गया है पार्ट 2 जो प्रोडक्शन करना है। अभी ये साइड में रख देंगे और हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं। अभी पार्ट 3 का जो रो मटेरियल है वो मैं निकाल रहा हूँ। ये जो अपना SS का टेक्निकल पाइप रहता है वो है, और ये जो इसके पीछे का हैंडल है वो ले रहे हैं। ये जो SS का पाइप रहता है ये 360 डिग्री घूमने वाला पाइप रहता है, इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो सीधा निकलेगा, नीचे जाएगा तो घूमते हुए जाएगा, यही वर्किंग करता है अंदर टेक्निकली। आप देख सकते हो इसको ऊपर खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो अपने आप नीचे जाके स्पिन हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। अभी हम पार्ट 3 बनाना शुरू कर रहे हैं। ये जो पाइप है इसको ये स्विच लगाना है, यहाँ से ऐसे डाल के ये स्विच इसको यहाँ पे टाइट कर देना है, तो ये अपना पाइप हो गया, ये स्विच यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये जो हैंडल है इसको यहाँ पे लगा देना है ऐसे अच्छे से, ये थोड़ा टाइट बैठेगा, हैंडल निकले ना इस तरह से। और ये जो प्लेट है अपना इसको यहाँ से ढक्कन खोल के यहाँ लगा देना है पाइप में, और ऐसे यहाँ पे छोड़ देना है, ये मेल फीमेल ही रहता है, और फिर ढक्कन लगा देना है ऐसे। तो ये अपना पाइप पूरा बन गया है, ये अभी हमारा फुल बॉडी तैयार हो गया है। इसमें अभी सिर्फ नीचे रिफ़िल लगाना बाकी है, जो बहुत ही इजी है। वो रिफ़िल मैं अभी यहाँ से ले रहा हूँ अपने बॉक्स में से। तो सर ये रिफ़िल भी अंदर 100 पीस आ जाएंगे ना? हाँ, ये रिफ़िल भी अंदर 100 पीस आ जाएंगे। इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। वाह। और ये पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। वाह। इसको मार्केट में बकेट मोप का रोड बोला जाता है, कि जो लोग 360 डिग्री बकेट मोप यूज़ करते हैं उसके लिए है। देखिए ये पूरा स्पिन हो रहा है अच्छे से, पूरा अपना टेक्निकल पार्ट ठीक से जोड़ के हमने ये बना लिया है। और इसका स्विच ऐसे बंद करेंगे तो ये रुक जाएगा यहाँ पे, जैसे ही स्विच खोलेंगे तो फिर से स्पिन होगा, जैसे ही स्विच बंद करेंगे रुक जाएगा। अभी ये जो अपना बकेट मोप का सेट है वो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, आप देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये पूरा वर्किंग कंडीशन में है, जो मैंने अभी बॉक्स में से निकाला है।
आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही फाइन है। ये माइक्रो फाइबर कहा जाता है, ये मतलब ये रेगुलर या डोमेस्टिक अपना जो मोप रहता है ऐसी क्वालिटी नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ रहता है। इसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर को अपने में सोख लेने की रहती है। तो होम यूज़ में ये कैसे यूज़ होता है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके बताता हूँ। ये स्विच ऐसे यहाँ से ओपन कर दिया है, इसको यहाँ पे गीला करना है और स्पिन करना है ऐसे। सर नीचे का बकेट नहीं मिलेगा ना किट में? नहीं, नीचे का बकेट नहीं मिलेगा, वो अलग से रहता है। तो सर अभी जो ये रॉ मटेरियल से हमारा ये जो मॉप बना है, मॉप सेट बना हुआ है, तो ये हर बकेट में फिट हो जाएगा? हाँ, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, ये आपके कोई भी बकेट है आपका घर पे, उस पर हर प्रोडक्ट पे ये हर बकेट पे ये फिक्स हो जाएगा आराम से। बाद में जब ये रिफिल का लाइफ ख़त्म हो जाता है तो वो रिफिल चेंज करके दूसरा इसको लगाना रहता है। इसमें वैसे ही रहता है जैसे हम अपना पैन यूज़ करते हैं, तो जो पैन में रिफिल ख़त्म हो जाता है दूसरी लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी वही चीज़ है। आप पूरा का पूरा मोप सेट भी बेच सकते हो, या फिर आप नीचे का ये जो रिफिल होता है कॉटन का सेपरेटली बेच सकते हो, वो बल्क क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, वो भी आप आगे रीसेल कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, बकेट की जगह पे यही चीज़ ज़्यादा बिकती है, तो आप इसे आराम से सेल कर सकते हो। 8700 का रॉ मटेरियल किट लेके आप पहले सिंगल पर्सन से ही शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपको सेल मिलेगी, ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपको आदमी लोग बढ़ा के, लेबर बढ़ा के इस तरह से काम बड़ा करना है। जब हमारे व्यूवर्स ये किट लेकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो ये बना तो लेंगे सब लोग, बेचेंगे कैसे? बेचने का जो तरीका है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ ये बेच सकते हो। ये आप रिटेल शॉप्स वालों को भी बेच सकते हो। अच्छा। फिर जो अलग अलग छोटी लारी में फेरी वाले जो रहते हैं, हाँ, उनको भी बेच सकते हो। आप इसको अमेजोन जैसी ऑनलाइन साइट से भी बेच सकते हो, और आप खुद का स्टॉल या डोर टू डोर मार्केटिंग करके भी बेच सकते हो। तो इसके बेचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब मेन बात है सर प्रॉफिट की। अगर कोई ये बना लेता है तो एक पीस उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने में पड़ेगा? अगर वो असेंबल करके पूरा बना लेता है, रेडी करके बना लेता है, तो एक पीस की उसे कितने को पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, और जब उसे मार्केट में सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट कितना होगा एक पीस पे, वो ज़रा पूरा कैलकुलेशन अच्छे से समझा दीजिए। ये जो अपना बकेट मोप का पाइप सेट है, वो अगर आप घर पर लेके बना रहे हो तो आपको कॉस्टिंग पड़ेगी अराउंड 90 से 92 रुपीज़, जिसमें आपका लेबर और आपका वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट हमने गिन लिया है। मार्जिन की बात करें तो आप अगर मार्जिन में देखें तो आप रिटेलर को बेच रहे हो तो ये 100 से 105 रुपए तक बिकेगा। अगर आप इसको एंड यूज़र को बेच रहे हो तो 140 से 150 रुपए तक बिकेगा। और अमेज़ोन पे तो मैंने जैसे बताया कि ये चीज़ 190 से लेके 400 रुपए तक वहाँ पे बिक रही है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि 400 में बिक रही है, मगर अपनी क्वालिटी ऐसी है कि जो ये आपको वहाँ पे 200 से 250 की रेंज में आप वहाँ पे भी बेच सकते हैं। अब सर इस पे बिजनेस ग्रो करने की टिप क्या रहेगी, मतलब वो कितना कमा सकता है वो ज़रा बताइए। प्रोडक्शन मतलब दिन में वो ऐसे कितने पीसेस बनाकर बेच सकता है वो ज़रा बताइए। ये जो 8700 की किट रॉ मटेरियल की है, वो एक स्टार्टर किट है। अच्छा। आप पूरे दिन में ये 500 पीस बना सकते हो। अच्छा। अगर आप इस रॉ मटेरियल को बना के फाइनल प्रोडक्ट पे 10 रुपये का मार्जिन भी पकड़ते हैं तो आप एक दिन का 5000 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मॉप सेट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।